शहर के सबसे प्रसिद्ध मॉडल साइंस कॉलेज के छात्रावास में रहने वाले छात्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पानी, सफाई और टॉयलेट जैसी समस्याओं को लेकर छात्रवासी कई बार वार्डन और प्रिंसिपल से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार प्रबंधन ने उनकी समस्याओं को दूर नहीं किया, जिससे छात्रवासी आक्रोशित हो गए। छात्रवासियों ने हॉस्टल से कॉलेज तक एक रैली निकालकर प्रदर्शन किया और कॉलेज पहुंचकर नारेबाजी की। इस दौरान छात्रवासियों की समस्याएं सुनने के लिए जब प्रिंसिपल KL महोबिया पहुंचे तो पहले तो वे छात्रवासियों से हॉस्टल से भी सभी काम पूरे होने की बात कहने लगे, लेकिन जब छात्रवासियों ने उन्हें समस्याएं गिनाई तो उन्होंने एक सप्ताह में समस्याएं दूर करने का आश्वासन दिया। छात्रवासियों का कहना है कि सत्र शुरू होने के बाद से वे 7 बार प्रबंधन तक हॉस्टल की समस्याएं पहुंचा चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी बहाने से उन्हें टाल दिया जाता है। अगले 7 बार में हम लोग प्रिंसिपल और वार्डन को ये संदेश जता चुके हैं कि हमारे छात्रावास में ये जरूरी चीजें हैं, करवाइए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम लोग बार बार एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं, पूरी बिल्डिंग गिरी जा रही है, वहाँ 150 बच्चे रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी व्यवस्था नहीं है सोने के लिए, न पानी की व्यवस्था, न बाथरूम की कोई भी व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम बार बार जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, कोई मतलब का नहीं निकलता। आज क्या कहा है प्रिंसिपल? आज प्रिंसिपल यही बोले हैं कि हो जाएगा सब कुछ, लेकिन उनके 7 दिन का टाइम दिया है, लेकिन उनके कहने से नहीं है। हम लोग कई बार कर चुके हैं, ऐसे ही रिस्पॉन्स आता है, वो कुछ नहीं करते हैं। छात्रों की जो समस्याएं हैं छात्रावास के संबंध में, वो जो हमारे द्वारा जो है मैनेज करने वाली है वो तो कर देंगे, लेकिन जो एजेंसियों के पास, जिसका ऑलरेडी जैसे बाउंड्री वाल की बात कर रहे हैं, बाउंड्री वाल तो जो है एजेंसी बनाएगी, PWD बनाएगी, उनके पास ऑलरेडी पैसा जमा है। अब वो चूंकि इनके टेंडर अभी बीच में जो है वो फिर से रिटेंडर कर रहे थे, क्योंकि जो काम कर रहे थे उनको जो है घाटा पड़ रहा था, तो उन्होंने मेरे ख्याल से, पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो फिर से उसकी रिटेंडरिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण करेंगे हम, जैसे पीने का पानी है नहीं है कि, अभी बीच में हालांकि इन्हीं के चक्कर में वो NCC वाली लाइन को हमने बंद करके इनको पूरी सप्लाई दी थी, कलेक्टर मैडम का वो आया फिर से कि नहीं उनको सप्लाई जो है दो, वो चालू फिर से, अगर ऐसी कोई समस्या है। दूसरी चीज़ अभी इसलिए थोड़ा डिले कर रहे थे कि माननीय मंत्री जी ध्रुवे जी जो है 5 लाख रुपये देने की बात कर रहे थे, और उन्होंने जो है वो एक दो बार जो है उन्होंने पत्राचार मतलब करस्पॉन्डिंग भी की फ़ोन से, और इस्टीमेट लिया, अगर वहाँ से हो जाता तो ये समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी।